So today we'll go through a new topic, which is called as polarization of light. So before we start with polarization of light, हमें पता होना चाहिए how does electromagnetic wave looks like. तो अगर आपको याद होगा electromagnetic wave, electromagnetic नाम में ही है electro and magnetic. तो electromagnetic wave में there are two components. There is an electric field component. तो ये जो मैंने यहाँ पे एक फिगर दिखाया है, इसमें जो रेड कलर का वाइब्रेशन है रिस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन, दिस इज ई बार. एंड ये जो ब्लू कलर का वाइब्रेशन आप देख रहे हो, इट इज नथिंग बट फील्ड वाइब्रेशन. सो दिस वाइब्रेशन ओवर हियर इज बी बार, ये बी बार, राइट. So first of all, you should know electromagnetic wave is a wave which has two components. एक electric field के vibrations होते हैं, एक magnetic field के vibrations होते हैं. And electric field का vibration and magnetic field के vibrations, they are perpendicular to each other, as you can see here. So as you can see, electric field and magnetic field are perpendicular to each other, and they are also perpendicular to direction of propagation. So if you see here in this figure, X is the direction of propagation, Y is the direction of vibration of electric field, and Z is the direction of vibration of magnetic field. So you should know electromagnetic wave mein you have electric field vibrations, you have magnetic field vibrations, and both of these vibrations are perpendicular to each other as well as perpendicular to direction of propagation. Right? Agar aapko itna pata hoga, to iske aage. See, ये जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है सिंगल वेव का है. तो इट इज बेसिकली फॉर अ सिंगल वेव. इमेजिन, और आपको पता है कि जब भी आप एक सोर्स की बात करते हो, जस्ट अ मिनट, ओके, तो व्हेन एवर यू टॉक अबाउट अ सोर्स, जब भी आप एक सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हो, तो उस सोर्स ऑफ लाइट में से सिंगल वेव तो आता नहीं है, इट हैज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेव्स. तो मैं जब सिंगल वेव की बात करता हूँ, तो सिंगल वेव में एक है डायरेक्शन ऑफ, मतलब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस, एक है मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस. तो याद रखना, मैं मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस को ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, एंड आई एम शोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस विथ ई विथ रेड कलर. तो रेड लाइंस विल करस्पॉन्ड टू वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये सिंगल वेव का सिनेरियो है, जब आपके पास एक सिंगल वेव हो. बट एज आई टोल्ड यू, जब भी आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, सोर्स बी इट लाइट बल्ब, एलईडी बल्ब हो, तो उसमें से एक वेव तो डेफिनेटली नहीं आ रहा है, इट हैज मेनी मेनी वेव्स. तो हर एक वेव में ईच वेव will have electric field and magnetic field perpendicular to each other, yes. लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक वेव का डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सेम हो. तो ऐसा भी हो सकता है, यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस. तो देखो, जो पहला वेव है और जो दूसरा वेव है, उन दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन का प्लेन दोनों वेव्स के लिए अलग अलग है. तो वेव नंबर वन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन का प्लेन अलग है, वेव नंबर टू के लिए अलग है. बट इन बोथ द केसेस व्हाट यू हैव इज, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर और वेव लेता हूं, इसमें टेक अनदर वेव, तो इस केस में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन विल बी समथिंग डिफरेंट. तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन अनदर प्लेन, बट अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट. As I told you, there are billions and billions of waves coming from a source. So you will have something like this. So this case, as you can see, this case, for the case of fourth wave, its plane of vibration is something else, right? So this is what will go on happening. When you talk about a normal light source, normal light source, mein vibrations of electric and magnetic field are in all possible directions. So point number one, आपको पता
अच्छा, ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन व्हेन वी टॉक अबाउट सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट में से सिंगल वेव तो आ नहीं रहा, देर आर मेनी वेव्स। और हर एक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बट जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक सोर्स है, उसमें से मान लो यू हैव 1,000 वेव्स कमिंग, 1,000 वेव्स वो सोर्स इमिट कर रहा है, तो 1,000 के 1,000 वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वाइब्रेट इन डिफरेंट प्लेन, बट ईच टाइम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट्स, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट। अब वी वांट टू सी अ न्यू टॉपिक, वी वांट टू स्टडी अ न्यू टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बट बिफोर दैट यू शुड नो कि जब हम पोलराइजेशन की बात करेंगे, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पोलराइजेशन, एक चीज याद रखना, वी विल ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। हम मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को फिलहाल स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के लिए होगा वही मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के लिए होगा। तो जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वी टॉक इधर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की बात होगी या मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की बात होगी, सिंपल। तो व्हाट आई विल डू इज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स में फिलहाल छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा मतलब ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स आर देयर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दोनों का एक साथ अगर हम देखने जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, नंबर वन। नंबर टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के साथ होने वाला है वही मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के साथ भी होगा, तो डबल डबल हमको लिखना नहीं है। दैट इज व्हाई आई विल ओनली टॉक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू कि हर एक वेव का डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सेम नहीं होगा, हर एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज वाइब्रेटिंग इन सम अदर प्लेन। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, आई विल टेक दिस स्ट्रक्चर टू द नेक्स्ट पेज ऑफ कोर्स। तो इसको आप बोलते हो अनपोलराइज्ड लाइट। तो व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सच अ लाइट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज यूपीएल। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में होंगे उसको आप बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। नाउ अगर बाय सम प्रोसेस, अगर मैं कुछ प्रोसेस करके, प्रोसेस मतलब कुछ बीच एक मटेरियल लगा देंगे या कुछ एक मेथड होगा, एनी मेथड, अगर हम किसी तरीके से बाय समहाउ, इफ समहाउ वी कैन रिस्ट्रिक्ट, हम अगर सारे के सारे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट करके एक ही प्लेन में ला पाए, या फिर जो बाकी के वाइब्रेशंस है उसको रिमूव कर पाए, तो जो लाइट आएगा दैट विल बी हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन, सच अ लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज पीपीएल। पीपीएल तो द आइडिया इज जो नॉर्मल होता है, इवन सनलाइट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन के वाइब्रेशन को पास होने देंगे, बाकी सबको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब रिमूव कैसे करते हैं, तो उसके मेथड से हम देखने वाले हैं आगे जाकर, वी विल सी लेटर ऑन हाउ टू जनरेट प्लेन पोलराइज लाइट। लेकिन याद रखना, वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, द लाइट अनपोलराइज, द लाइट ओनली इन व्हेन यू हैव लाइट हुज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर ओनली इन वन डायरेक्शन, वन पर्टिकुलर प्लेन, देन द लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज लाइट। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मेथड है, द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज लाइट इन टू प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो
पोलराइजेशन ऑफ लाइट मतलब अलाउविंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर डायरेक्शन टू पास थ्रू, बाकी सबको रिमूव कर देना, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो यू शुड रिमेम्बर दिस। तो जस्ट अ समरी, पोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक ही प्लेन में होंगे, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेम्बर। गुड। अब देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग प्लेन पोलराइज लाइट, जैसे मैंने आपको बताया। हमको अल्टीमेटली करना क्या है, हमारे पास वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन में है, हमको एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन को पास करना है। तो अलग अलग मेथड्स है अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। एक्चुअली दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो एज आई टोल्ड यू, अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करना है तो यू हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल्स, कुछ स्पेशल क्रिस्टल होते हैं जिसका नाम है टर्मलाइन और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली इट इज इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन और सर्कुलर डिस्क। तो व्हाट यू हैव इज, आपके पास कुछ स्पेशल टाइप के क्रिस्टल्स है। आई विल ड्रॉ दोस क्रिस्टल ओवर हियर। तो व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल है। अभी कुछ बुक्स में इसको हेक्सागोनल शेप से बताया, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सर्कुलर बताओ, आप बताओ, इट इज सम काइंड ऑफ मटेरियल दैट यू नीड टू नो। दिस इज टर्मलाइन क्रिस्टल, दिस इज टर्मलाइन क्रिस्टल, और यू कैन से दिस इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टर्मलाइन क्रिस्टल। अब होता क्या है, टर्मलाइन क्रिस्टल में दो एक्सिस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक एक्सिस और एक होता है मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, तो व्हाट हैपेंस इज ओनली दोज वाइब्रेशंस आर अलाउड। होगा ऐसा, और एज आई टोल्ड यू, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बात ही नहीं कर रहे। तो याद रखना, दो एक्सिस है, टर्मलाइन क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं पोलराइजर। याद रखना, ये पोलराइजर है। पोलराइजर मतलब क्या करता है, लाइट को पोलराइज करता है, मतलब वाइब्रेशंस को एक पर्टिकुलर प्लेन में रिस्ट्रिक्ट करता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। देन सिंस मैंने पहले कहा कि हम मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स की बात नहीं करेंगे, या तो इलेक्ट्रिक या तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है मैं इसकी बात नहीं करने वाला। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक एक्सिस। तो इस पर्टिकुलर क्रिस्टल में दो एक्सिस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक एक्सिस, एक होता है मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये मटेरियल करता क्या है, ये मटेरियल करता क्या है, व्हाट इट डज इज, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को पास करता है। इट ओनली अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स टू पास थ्रू। ओके, और कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इस इलेक्ट्रिक एक्सिस को पैरेलल होंगे। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस इस इलेक्ट्रिक एक्सिस को पैरेलल होंगे, सिर्फ वही पास होंगे, बाकी के कहां जाएंगे, बाकी के एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो एज यू कैन सी, ये अनपोलराइज लाइट, इट गोस, इट इज इंसिडेंट हियर, ये इंसिडेंट हो गया। लेकिन होगा क्या, होगा ये, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये जो मटेरियल है टर्मलाइन, वो सिर्फ एक ही टाइप के, एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को अलाउ करेगा। कौन से डायरेक्शन के वाइब्रेशन को अलाउ करेगा, इलेक्ट्रिक एक्सिस को पैरेलल होगा। तो इट अलाउज वाइब्रेशंस ओनली थ्रू इलेक्ट्रिक एक्सिस, और बाकी सबको ये ब्लॉक कर देता है। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ओके, सो यू नीड टू नो वन थिंग, यू हैव अ मटेरियल कॉल्ड एज टर्मलाइन क्रिस्टल। जब अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस टर्मलाइन, this thermaline crystal allows vibration only through electric axis and blocks all other vibrations. Okay, this is how it works. Then the light is converted to plane polarized light. Up, once you know this, you can go to laws of law. Okay, so laws of Malus mein you will see exactly what I have told you. तो होता क्या है, बेसिकली मैंने आपको अभी भी बताया, आपके पास एक क्रिस्टल है, यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल दिखाया है, दिस इज दैट क्रिस्टल।
जो लाइट को क्या करेगा, जो लाइट को पोलराइज करेगा। मतलब ये अनपोलराइज लाइट है आपके पास, जब अनपोलराइज लाइट इस मटेरियल से टर्मलाइन क्रिस्टल से पास होगा, इलेक्ट्रिक एक्सिस के वाइब्रेशन पास हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक एक्सिस को उन्होंने बोला है ट्रांसमिशन एक्सिस, एक ही बात है, ट्रांसमिशन मतलब इस एक्सिस से लाइट पास होगा, बाकी सारा ब्लॉक हो जाएगा, राइट। तो एज यू कैन सी अनपोलराइज लाइट इज कन्वर्टेड टू पोलराइज लाइट, गुड। तो वेरी ऑब्वियस दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप सनग्लासेस पहनते हो, तब सनग्लासेस पहनते हो मतलब आप क्या करते हो, सनलाइट का इंटेंसिटी को कम करते हो। कैसे कम करते हो, तो जो मटेरियल आप यूज करते हो सनग्लासेस में, दैट इज टर्मलाइन क्रिस्टल या फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑल्सो समटाइम्स, ओके। तो सन की जो लाइट होती है, इट हैज ऑल द वाइब्रेशंस। जब वो सनग्लासेस का जो मटेरियल है टर्मलाइन उससे पास होगा, तो बाकी सारे वाइब्रेशन ब्लॉक हो गए, ओनली वाइब्रेशन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर अलाउड टू पास थ्रू, तो यू हैव अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो इंटेंसिटी कम हो गया। अब मान लो, इमेजिन, अब डिपेंड्स ऑन नोटेशन टू नोटेशन, ओके। तो इमेजिन यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट था आई, तो पहली बार फर्स्ट टाइम जब टर्मलाइन क्रिस्टल से लाइट पास होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, एंड दैट इंटेंसिटी इज आई जीरो। तो यहाँ पे इन्होंने डिनोट किया है आई जीरो से। मैं उल्टा करूंगा, व्हाट आई विल डू इज मैं ओरिजिनल इंटेंसिटी को आई जीरो बोल देता हूँ, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है इसको मैं आई वन बोलता हूँ। मतलब ये क्रिस्टल है आई वन, और नॉर्मली क्या होता है, इंटेंसिटी आई वन एक बार टर्मलाइन क्रिस्टल से लाइट पास हो गया तो उसका इंटेंसिटी हो जाता है हाफ, राइट। तो जब लाइट पोलराइजर से, पोलराइजर क्यों बोला है, क्योंकि लाइट को पोलराइज किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू दिस क्रिस्टल, इंटेंसिटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, राइट। दिस इज, ये जो मटेरियल है जिसने लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया, इसको आप बोलते हो पोलराइजर, याद रखना, गुड। बट हाउ डू यू नो टू गेट द लाइट पोलराइज, यू कैन नॉट से फॉर श्योर। हो सकता है ना कि इंटेंसिटी कम ही आ रहा था। व्हाट यू डू इज आपको पता नहीं है कि सोर्स से कितना इंटेंसिटी आ रहा है, आप जब लाइट को देख रहे हो, इमेजिन इमेजिन आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है अपोजिट वॉल पे, ओके, और वहां से लाइट इमिट हो रहा है, और आपने बीच में एक बड़ा सा शीट लगा दिया पोलराइजर का, टर्मलाइन क्रिस्टल का। आप जो देख रहे हो, आप ऑलरेडी रिड्यूस्ड इंटेंसिटी देख रहे हो, मतलब आप देख रहे हो प्लेन पोलराइज लाइट, बट हाउ डू यू नो कि लाइट सच में पोलराइज हुआ कि नहीं। तो आप और एक क्रिस्टल यूज करते हो, यू यूज वन मोर क्रिस्टल ऑफ द सेम टाइप, इसको आप बोलते हो एनालाइजर, क्योंकि डज एनालाइज फॉर यू, ये आपको बताता है, यू कैन चेक, यू कैन वेरीफाई कि सच में इन रियलिटी लाइट सच में प्लेन पोलराइज हुआ कि नहीं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी, आई मीन अच्छे से ध्यान देना। देखो क्या होगा, इमेजिन मेरे पास ऐसा सेटअप है, ओके। अब होगा क्या, अब होगा ऐसा, आपके पास अनपोलराइज लाइट है, आपने क्रिस्टल को रोटेट कर दिया, आप क्रिस्टल को रोटेट करोगे, राइट, तो फिर एक वाइब्रेशन तो पास होगा ही, राइट। आपने क्रिस्टल को वापस रोटेट कर दिया, जब आपने क्रिस्टल को वापस रोटेट कर दिया तो वापस से एक, कम से कम एक प्लेन में जो वाइब्रेशन है वो पास हो जाएंगे। आपने क्रिस्टल को वापस रोटेट कर दिया तो अगेन एटलीस्ट वन वाइब्रेशन विल पास थ्रू, राइट। मतलब हर बार डजेंट मैटर कि ये जो क्रिस्टल है इसका ओरिएंटेशन क्या है, कैसा भी रखो, यहां पे हमेशा सेम इंटेंसिटी आपको मिलने वाला है। अच्छे समझ लो, आपके पास अनपोलराइज लाइट था, आपने एक क्रिस्टल लिया जिस क्रिस्टल ने अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट किया, बट हाउ डू यू नो कि सच में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि मैं क्रिस्टल को कैसे भी रखूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन, मैं क्रिस्टल को कैसे भी रखूं तो एक वाइब्रेशन तो कम से कम पास हो ही रहा है। तो हर बार यहां पे इस पी पॉइंट पे
इंटेंसिटी सेम ही रहेगा, आप चाहो वैसा इस क्रिस्टल को रोटेट कर दो, यू विल ऑलवेज गेट द सेम इंटेंसिटी हियर ऑलवेज। तो आप कंफर्म कैसे करोगे कि वेदर वेदर लाइट पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ? तो व्हाट इज टू बी डन, हम क्या करते हैं, हम एक पहले ये मटेरियल लेते हैं, फिर हम ऐसा ही और एक क्रिस्टल लेते हैं। ओके, तो डेफिनेटली व्हाट वी नो इज कि एक वाइब्रेशन तो मिनिमम पास होने वाला है। तो ओरिजिनल इंटेंसिटी कितना था? I0। यहां पे कितना आ गया? I1। वन क्योंकि पहला क्रिस्टल है, इसके लिए मैं इसको I1 बोल रहा हूँ, विच इज नॉर्मली I0/2। देन ये दूसरा क्रिस्टल है जो हमारा एनालिसिस करने में हेल्प करता है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं एनालाइजर। और यहां जो इंटेंसिटी आएगा I2, ओरिजिनल इंटेंसिटी I0, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर इज I1, आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर इज I2। यहां जो इंटेंसिटी आने वाला है एनालाइजर के बाद, इट विल डिपेंड ऑन, इट डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एज यू कैन सी, ये जो लाइन है ये पहले का एक्सिस है, फर्स्ट का एक्सिस है, पहले पोलराइजर का एक्सिस है, और ये जो लाइन टू है ये दूसरे का एक्सिस है। तो इन दोनों में एंगल कितना बना उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एनालाइजर को रोटेट कर सकता हूं, अगर मैंने एनालाइजर को रोटेट कर दिया तो पोलराइजर और एनालाइजर इन दोनों के एक्सिस के बीच में एक एंगल बना थीटा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मालूस, मालूस लॉ, इंटेंसिटी I2 इज I1 cos² θ। ये याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर I2 इज इक्वल टू I1। I1 इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। cos स्क्वायर एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो ये आपको मिल गया लॉ ऑफ मालूस, तो ये याद रखना, दिस इज लॉ ऑफ मालूस। मैं वापस इन शॉर्ट बता देता हूँ, इन शॉर्ट व्हाट इज हैपनिंग, इन शॉर्ट व्हाट यू हैव इज, आपके पास एक अनपोलराइज लाइट है, थोड़ा सा इनिशियल फेजेस में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इट इज रियली सिंपल एक्चुअली। आपके पास एक यूपीएल है, यू हैव अनपोलराइज लाइट, और अनपोलराइज लाइट में डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स। तो यू हैव डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल प्लेन। दिस इज अनपोलराइज लाइट, यूपीएल। नाउ यू हैव स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, सम स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल। तो आपके पास एक ऐसा स्पेशल टाइप का क्रिस्टल है जिसमें ट्रांसमिशन एक्सिस होगा, मतलब इलेक्ट्रिक एक्सिस होगा, जो भी वाइब्रेशन इस एक्सिस को पैरेलल होगा वो होगा, बाकी पास हो नहीं पाएंगे, बाकी ब्लॉक हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि ओनली फ्यू वाइब्रेशंस आर एब्जॉर्ब्ड एंड वाइब्रेशन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक एक्सिस आर अलाउड टू पास थ्रू। यहाँ इंटेंसिटी था I0, यहाँ पे इंटेंसिटी I1। I1 इज नॉर्मली I0/2। इस पहले क्रिस्टल ने क्या किया? पोलराइज किया, तो इसको नाम क्या देंगे? पोलराइज, राइट। फिर हमको पता कैसे लगेगा कि पोलराइज हुआ कि नहीं? क्योंकि मैं इसको कैसे भी रोटेट करूंगा तो कम से कम एक वाइब्रेशन तो पास होने ही वाला है, मतलब इंटेंसिटी I1 विल ऑलवेज रिमेन द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द पोलराइजर। पोलराइजर का कैसा भी ओरिएंटेशन हो, यहाँ पे इंटेंसिटी सेम रहेगा। ओके, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो अब हाउ डू वी वेरीफाई, हम वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वेरीफाई करने का एक मेथड है, दैट इज और एक ऐसा क्रिस्टल ले लो, टेक वन मोर क्रिस्टल ऑफ द सेम टाइप। अब ये जो दूसरा क्रिस्टल है टर्मलाइन क्रिस्टल, ये हमारी हेल्प करेगा एनालिसिस करने में, तो इसको नाम दे देंगे एनालाइजर। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम एनालाइजर, इसको एमरजेंट भी बोलते हैं, एमरजेंट लाइट I2,
यहाँ पे इंटेंसिटी डिपेंड करेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर, ये एक्सिस ऑफ पोलराइजर है, मैं सिर्फ तो शिफ्ट करके यहां दिखा रहा हूं, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, तो एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में कितना एंगल है उस पर डिपेंड करेगा व्हाट इज द इंटेंसिटी हियर, सो इट इज आई वन कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज लॉ ऑफ मालूस, इसको बोलते हैं मालूस लॉ, मालूस लॉ, राइट। अब वेरी लॉजिकल थिंग, बहुत लॉजिकल है, अगर अगर पोलराइजर और एनालाइजर इन दोनों में एंगल जीरो होगा, यहां पे इंटेंसिटी था आई वन, यहां पे इंटेंसिटी है आई टू विच इज आई वन कॉस स्क्वायर जीरो जीरो जीरो, क्योंकि एंगल जीरो तो कॉस को जीरो, तो ये वाइब्रेशन जो अनपोलराइज लाइट से आया था ये पास हो गया था कहां से, पोलराइजर से, यही वाइब्रेशन एनालाइजर से भी पास हो जाएगा, एंगल जीरो है, कंप्लीटली पास हो गया, तो I2 इज इक्वल टू I1 टू cos 0 इज 1, राइट। अब जैसे जैसे आप रोटेट करोगे, जैसे जैसे आप रोटेट करोगे एनालाइजर को रोटेट करोगे तो इंटेंसिटी कम होता जाएगा, क्यों कम होगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मान लो एंगल इज 45, इमेजिन एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 45 डिग्री, ये एंगल 45 है मान लो, तो आई टू विल बी आई वन कॉस स्क्वायर 45, व्हाट इज कॉस 45, वन बाय रूट टू का स्क्वायर, तो आई वन बाय टू, तो इंटेंसिटी कम हो गया, पहले कितना था जब एंगल जीरो था तो कितना था, आई टू इक्वल टू आई वन था, अब कितना हो गया, अब हो गया हाफ आई वन बाय टू। अब और एक केस लेते हैं, इमेजिन एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर इज 90 डिग्री, सीधा सीधा 90, तो I2 विल बी जीरो, क्योंकि I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 90, cos 90 इज जीरो, तो जीरो, राइट। हो ऐसा रहा है, पहले आपने पोलराइजर और एनालाइजर को एग्जैक्टली सेम ओरिएंटेशन में रखा था, मतलब दोनों के एंगल में, दोनों के एक्सिस में एंगल था जीरो, तो जितना इंटेंसिटी I1 था उतना ही I2 है, फिर आप एनालाइजर को रोटेट करते गए, जैसे आप एनालाइजर को रोटेट करते गए तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूसिंग, कम होते गया जीरो हो गया, कब जीरो हो गया, जब एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर एक्सिस इज 90 डिग्री, तब हो गया जीरो। फिर मैं इसको फर्दर रोटेट करूंगा, मैं इसको वापस रोटेट करूंगा, अब 90 से ज्यादा एंगल है, नाउ द एंगल इज ग्रेटर देन 90, तो वापस बढ़ते जाएगा, इंटेंसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, जैसे मैंने इसको और ज्यादा रोटेट किया, इफ आई रोटेट इट इवन फर्दर, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर दे आर एंटी पैरेलल 180 डिग्री, वापस से इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर और वापस से आप रोटेट करोगे तो इंटेंसिटी वापस कम होता जाएगा 270 डिग्री पे वापस जीरो हो गया, फिर आप वापस रोटेट करोगे तो वापस 360 पे मैक्सिमम हो गया, तो होता क्या है, जीरो से 90 में इंटेंसिटी कम होता है, 90 पे इंटेंसिटी जीरो हो जाता है, 90 से 180 में इंटेंसिटी बढ़ता है, 180 पे वापस मैक्सिमम हो जाता है, राइट। उसके बाद 180 से 270 में कम होता है 270 पे जीरो हो जाता है, फिर वापस 270 से 360 में बढ़ने लग जाता है और मैक्सिमम हो जाता है, तो दिस इज लॉ ऑफ मालूम, तो ये याद रखना, तो दिस इज वन वे ऑफ ऑप्टेनिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपने कैसे, एक स्पेशल टाइप का मटेरियल है टर्मलाइन क्रिस्टल, वहां से अनपोलराइज्ड लाइट को पास कर दिया तो आपको मिल गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और उससे रिलेटेड जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ मालूस नंबर वन। अब दूसरा मेथड है विच इज कॉल्ड एज ब्रिस्टर्स लॉ। अब मैं आपको ब्रिस्टर्स लॉ पहले बता देता हूं, व्हाट इज ब्रिस्टर्स लॉ, तो ब्रिस्टर्स लॉ मतलब देखो यहां पे जो आपने यूपीएल को अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट किया है, इसको बोलते हैं बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज लाइट इन प्लेन लाइट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। लेकिन दूसरा मेथड भी है रिफ्लेक्शन,
मतलब क्या होगा उस केस में, आपके पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यू हैव अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो लेट्स टेक दिस एज अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. व्हाट हैपेंस इज लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ, और आपको स्नेल्स लॉ तो पता ही होगा, और आपको ये भी पता होगा व्हेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. लेकिन यहाँ पे क्या है कि पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और लाइट रिफ्रैक्ट भी हो रहा है. ये जो लाइट है, दिस लाइट इज अनपोलराइज लाइट, तो यहाँ जो लाइट आपने लिया इट इज अनपोलराइज, इट हैज वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. मैं यहाँ पे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन तो दिखाने नहीं वाला, मैं यहाँ पे दो ही डायरेक्शन बताऊंगा. एक डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है ऐसा, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड और कमिंग आउट. तो दूसरा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो होगा इट इज समथिंग लाइक दिस. ये रेड डॉट मतलब वाइब्रेशंस आर इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, और स्ट्रेट लाइन जो है ग्रीन मतलब वाइब्रेशंस आर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ये पता होना चाहिए आपको. देन होगा ऐसा एक पर्टिकुलर एंगल पे, मतलब पहले आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 10 डिग्री लिया, फिर मान लो 20 डिग्री लिया, 30 लिया, 40 लिया, 50 लिया, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद रखना फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसी भी एंगल पे नहीं होता, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. मैं बार बार बोल रहा हूं फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट हैपेंस इज ऐसा होता है जो आपके पास रिफ्लेक्टेड बीम है, एज आई टोल्ड यू रिफ्लेक्टेड बीम है, उसमें सिर्फ एक वाइब्रेशन जाएंगे. तो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड बीम हैज वाइब्रेशंस ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब ये बन गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये हो गया, ये था अनपोलराइज्ड लाइट. बोलोगे बाकी के वाइब्रेशंस कहाँ चले गए? हाँ, तो बाकी के वाइब्रेशंस यहाँ पे है ना, बाकी के वाइब्रेशंस रिफ्रैक्टेड बीम में है. फिर आप बोलोगे ऐसा कैसा, वहां पे सारे रेड डॉट्स है, तो फिर रिफ्रैक्टेड बीम में सारे के सारे ग्रीन लाइंस होने चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है. इमेजिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ, डू नॉट टेक इट अदर वे, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ. इमेजिन, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये है आपके पास लाइट और ये ग्रीन लाइन इस डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन. इमेजिन आपके पास जो लाइट आ रहा है अनपोलराइज लाइट, उसमें 100 कंपोनेंट्स है वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और 100 कंपोनेंट्स है वाइब्रेशंस इन साइड द प्लेन ऑफ बोर्ड. ओके, तो 100 वाइब्रेशन है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड 100 आर इनसाइड. अगर लाइट एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी बोलते हैं, इफ द लाइट इज इंसिडेंट एट दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट हैपेंस इज होता ऐसा है कि जो रिफ्लेक्टेड बीम है, रिफ्लेक्टेड बीम, इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन जाएंगे. मान लो ये 100 में से 20 यहां चले गए, 30 यहां चले गए, ओके 40 यहां चले गए, डजंट मैटर 30, 40, 20, टोटल कितने थे 100, तो बाकी बच 70 जाएंगे, 70 यहां जाने, और जो ग्रीन कलर के वाइब्रेशंस थे, ग्रीन वाइब्रेशन कलर के नहीं होते, इसे समझाने के लिए है, ग्रीन लाइंस मतलब ऑफ द बोर्ड, ये पूरे के पूरे 100 यहां जाएंगे रिफ्रैक्टेड में. तो जब आपने लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट किया, तो रिफ्लेक्टेड बीम इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, बट रिफ्रैक्टेड बीम इज पार्शियली पोलराइज्ड.
रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो कंप्लीटली पोलराइज है. दिस इज सेकेंड वे ऑफ सेकेंड मेथड ऑफ ऑप्टेनिंग प्लेन पोलराइज लाइट. तो आप ऐसा भी प्लेन पोलराइज लाइट ऑप्टेन कर सकते हो. अब क्वेश्चन ये आना चाहिए ऐसा क्या होता है इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे. तो इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होता ये है. एक मिनट मैं थोड़ा सा डायग्राम को चेंज कर रहा हूँ लिटिल बिट. आई वॉन्ट टू शो समथिंग. होता ये है ये जो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होता यह है कि रिफ्लेक्टेड बीम प्लेन पोलराइज हो गया. बट वेट अ मिनट, व्हाट इन रियलिटी इज हैपनिंग. ये जो एंगल है किसका, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, इट बिकम्स 90 डिग्री. सो एट द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ पोलराइजेशन, रिफ्लेक्टेड बीम इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, refracted beam is not completely polarized. At this angle, reflected ray and refracted ray are perpendicular to E. So, at angle of polarization, when light is incident on a plain glass slab at angle of polarization, then reflected beam is completely polarized. Also, reflected and refracted beams are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. Good, this is what you know. अब ओरली बोल के चलेगा क्या थियोरेटिकली, हाँ ऐसा होगा फिर वैसा होगा फिर ये होगा वो होगा. इक्वेशन आपको इक्वेशन लगने वाला. तो इक्वेशन कैसे डिराइव करोगे, सिंपल है. ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड बीम विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. अब आपको पता है स्नेल्स लॉ, तो यू मस्ट बी नोइंग स्नेल्स लॉ. आपको स्नेल्स लॉ पता होगा ऐसा मेरा एजम्पशन है, तो हम डिराइव भी कर लेंगे. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये पहला मीडियम है, ये मीडियम टू है. पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू वन, दूसरे का होता है म्यू टू. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इंटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम वन, मतलब आई पी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम टू. साइन आई पी इक्वल टू म्यू टू साइन आर, सिंपल. अगर पहला मीडियम एयर हुआ, इन केस अगर पहला मीडियम एयर है तो म्यू वन इज वन. देयरफॉर साइन ऑफ आई पी इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ आर. और म्यू टू मतलब जो भी आपने मटेरियल लिया है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है. ओके, तो देयरफॉर मैं काम कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं म्यू. तो म्यू टू को मैं बोल दूंगा म्यू. गुड, तो आपको क्या मिलेगा, म्यू इक्वल टू साइन आई पी बाय साइन आर, वेयर आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब आपको ये पता होना चाहिए जब रिफ्लेक्शन सेम मीडियम होता है ना, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है सेम. व्हेनेवर रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, मतलब आई पी एंड आई पी
और आपको डायग्राम से दिख रहा है ये टोटल एंगल कितना है 180. व्हाट डू यू सी फ्रॉम फिगर इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन आई पी इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज अगेन आई पी प्लस ये एंगल कितना 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ये टोटल एंगल कितना है 180 है राइट. तो ये आपको पता होना चाहिए बट आई पी प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू 180. तो आर इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस आई पी गुड. तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 90 माइनस आई पी इक्वेशन नंबर वन. तो फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू या फिर पुट आर इक्वल टू 90 माइनस आई पी इन इक्वेशन नंबर वन. देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज साइन आई पी अपॉन साइन ऑफ आर. लेकिन आर कितना है 90 माइनस आई पी. देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज साइन आई पी अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो कॉस ऑफ आई पी तो साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी इज टैन ऑफ आई पी. तो आ गया म्यू इक्वल टू टैन आई पी. इसको हम बोलते हैं ब्रिस्टर्स लॉ. कॉल्ड एज ब्रिस्टर्स लॉ. इसको नाम दे देता हूं मैं ब्रिस्टर्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर्स लॉ व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट is incident on a plain glass slide, then the reflected beam is a plain polarized beam provided angle of incidence is some particular angle which is called as angle of polarization. When unpolarized light is incident on plain glass slab at angle of polarization, then the reflected beam is completely polarized, and when the reflected beam is completely polarized, reflected and refracted beam are perpendicular to each. ये बताओ. Then है तो आपको ये भी पता है total angle कितना है 180. ये total angle 180 है मतलब IP plus 90 plus R is 180. और आपने Snell's law apply कर दिया. According to Snell's law, refractive index of medium 1 sine of IP equal to refractive index of medium 2 sine of R. If mu 1 equal to 1, मतलब पहला मीडियम अगर एयर है तो साइन आई पी इक्वल टू म्यू साइन आर. मैंने म्यू 2 को म्यू बोल दिया सो आई हैव जस्ट कॉल्ड म्यू 2 एज म्यू. सो यू गेट म्यू आई पी अपॉन साइन आर इक्वेशन नंबर आपके पास. तो आई पी प्लस 90 प्लस आर इज 180. तो आर इज 180 माइनस 90 माइनस आई पी. तो आर इज 90 माइनस आई पी. Put this R equal to 90 minus IP in equation number 1. You get mu equal to sine IP upon sine of 90 minus IP. Then you have mu equal to sine IP upon cos IP, which is tan IP. Right? इसको हम लोग बोलते हैं Brewster's law. So far today, just a quick recap what we have done is. So आज हमने एक नया topic चालू किया है, which is called as polarization. So we have started with a new topic called as polarization of light. Polarization of light. So polarization of light matlab basics pata hona chahiye. Electromagnetic wave has two components, electric field and magnetic field, which are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of vibration. Ye single wave ka baat kar rahe hain hum log. But jab ek source of light ki baat hoti hai, so it has many, many, many waves, millions and billions of waves. When they have millions and billions of waves, all the waves, they may not be vibrating in the same direction. Ho sakta hai ki wo same direction mein vibrate nahi ho rahe hain. They are all vibrating in different directions. Iska matlab, electric field vibrations of all the waves are not confined in the same direction. They are in different directions. Aisa hai. Agar aisa hai, to aisi light ko hum bolte hain unpolarized light. Aur jab hum polarization ki baat karte hain, to we talk only about electric field vectors or magnetic field vectors. क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए होगा एग्जैक्टली वही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए होगा, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस के लिए होगा. तो ऐसा लाइट जिसमें वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सच लाइट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट. और
प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या, अगर आप ऐसा कर पाए, आपने सिर्फ एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को अलाउ किया, बाकी सबको रोक दिया, तो जो लाइट जनरेट होगा उसको आप बोलोगे प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड है। एक ऑप्शन मतलब देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, आप जब अनपोलराइज लाइट को उस क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट कर देते हो तो जो एमर्जेंट लाइट है इट इज ओनली प्लेन पोलराइज। दूसरा मेथड है बाय रिफ्लेक्शन, जो हमने ब्रिस्टोस लॉ देखा अभी अभी। तो रिलेटेड टू सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन वी हैव सीन वन लॉ विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ, जो पहला क्रिस्टल था जिसने लाइट को यूपीएल ईपीएल में, जो दूसरा क्रिस्टल है जिसने हमको बताया कि हाँ कन्वर्जन हो गया, उसको बोलते हैं एनालाइजर, राइट। तो लॉ ऑफ मालूस टेल्स यू दैट लाइट आउट एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एक्सिस ऑफ एनालाइजर, गुड। देन व्हाट यू हैव इज ब्रिस्टोस लॉ, हमने अभी अभी देखा है, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ब्रिस्टोस लॉ। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी पार्ट ऑफ पोलराइजेशन। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चंस वी विल डू एंड दैट विल बी एंड ऑफ वेव ऑप्टिक्स। सो दैट्स